हमने ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और वर्म होल्स के इन सभी के बारे में डिटेल में बात की हुई है इन आवर साइफाई वीडियो सीरीज। ये सारे होल्स या डिस्टॉर्शन स्पेस में होते हैं, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि हमारे धरती के ओशियंस के गहराइयों में भी एक काफी बड़ा और मिस्टीरियस होल है? तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लू होल्स के बारे में। हर सिक्के के दो फेसेस होते हैं और इस तरह हमारे ओशियन जितनी सुंदर हैं उतने ही मिस्टीरियस भी हैं, क्योंकि ओशियन एक ऐसी जगह है जो अभी तक के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और आज बिलीव इट और नॉट में जानेंगे ऐसे ही मिस्ट्री को, यानी ब्लू होल के बारे में। द ग्रेट ब्लू होल इज अ लार्ज अंडर वाटर सिंक होल ऑफ द कोस्ट ऑफ बेलीज, विच इज अ करीबियन कंट्री लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका। It lies near the, center of Lighthouse Reef, a small atoll 100 kilometers from the mainland of Belize City. And it was first discovered by French scientist Jacques Cousteau. It's currently believed that ye jo sinkhole hai, wo kareeban 300 feet gehra hai. But there are still many unanswered questions about it and how it formed. And in 2012, is blue hole ko 10 most amazing places on earth mein jagah bhi mil chuki hai. स्कूबा डाइवर्स इस एरिया पर साल से जा रहे हैं। दे हैव बीन क्रूजिंग द सरफेस वाटर फॉर डिकेड्स, लेकिन इसके अंदर डीप जाने की हिम्मत कुछ ही लोगों में अब तक है। इन 2018 अ क्रू फ्रॉम एक्वाटिका सबमरीन स्टार्टेड देयर रिसर्च टू द बॉटम ऑफ दिस ब्लू होल। उनका मिशन था इस ब्लू होल का एक 3D मैप तैयार करना, और जैसे जैसे उन्होंने इसके अंदर जाना शुरू किया तब उन्हें एज यूजल कुछ कॉमन चीज़ें दिखी, और कुछ और दूर जाने के बाद बिल्कुल अलग चीज़ें दिखने लगी, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ क्रिएचर्स। और कुछ टाइम के बाद देयर वॉज no life found. But why was that? Iske piche ka important reason ye hai ki there is a thick layer of toxic hydrogen sulfide spanning the width of the entire sinkhole, jo ki bahut zyada harmful hai aur for any living thing. Is great blue hole ke andar kai gufaye hain jinke bare mein lakhon scuba divers batate hain aur jaane ki koshish bhi karte hain, lekin aaj tak koi ja nahi paya hai, na hi bata paya hai ki great blue hole ke andar itni gufaye hai kyun aur bani kaise. ओशन लवर्स के लिए ये जगह किसी हेवन से कम नहीं है। यहाँ आपको ऐसी मैरीन स्पीशीज मिलती है जो कहीं और नहीं पाई जाती, जिससे जैसे मिडनाइट पैरट फिश, कैरिबियन रीफ शार्क, बुल शार्क और हैमरहेड शार्क। और जैसे हमने पहले देखा कि जैसे जैसे रिसर्चर्स और नीचे जाने लगे, मैरीन लाइफ धीरे धीरे गायब होने लगी, और एक पॉइंट के बाद वहाँ कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट पानी। देयर वॉज नो ऑक्सीजन, नो लाइफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक हाइड्रोजन सल्फाइड एज डिस्कस बिफोर। लेकिन रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी, दे स्टिल केप गोइंग डीपर एंड डीपर। और 120 मीटर और नीचे जाने के बाद रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और ना आप सोच पाओगे। स्मॉल स्टैलेक्टाइट्स, अब ये क्या चीज़ है? इनको हम नेचर का स्कल्पचर मान सकते हैं। दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वॉटर दैट सीप्स थ्रू द केव्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एज वॉटर ड्रिप्स थ्रू द सीलिंग ऑफ अ केव, the water droplets leave small bits of mineral behind, forming stone columns, usually shaped like an ice cream cone. Samajh mein baat zara sunkar? Yes, and that too deep inside the ocean. The stalactites grow downwards from the ceilings or walls of the caverns. Ab ye milne ke baad researchers ko iski thodi history pata chalne lagi gufaon ki, great blue hole ki. Iske hisab se ye bataya gaya ki do stalactites कैन ओनली फॉर्म जब वहाँ कोई केव एक्चुअली में कभी रही हो, एंड इट वॉज ड्यूरिंग अर्थ प्रोलिफिक एरा, एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दिस वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज, जो कि 14,000 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, और तभी से सी लेवल बढ़ने लगी। पता ही आपको, आइस एज के बाद सी लेवल बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ये जो केव है कोलैप्स हो गए और पीछे रह गया ये यानी द ब्लू होल। बट कहानी ख़त्म नहीं हुई यहाँ तक। जैसे जैसे हम और नीचे गए, वैसे वैसे पास्ट की और बातों का पता चला। दे फाउंड दैट सैंड वॉज बिल्डिंग अपॉन द फ्लोर बेड एट द बॉटम ऑफ द होल, जिसके वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो ब्लू होल है ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहे। हर दिन उसमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सैंड जा रही है, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा
मे बी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब ये पूरा भर जाए, लेकिन तब तक हम इसको एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं और अपने हिस्ट्री और ब्लू होल के हिस्ट्री का मज़ा और भाई और मज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऐसा ही मज़ा हमारे आज के सेशन में भी आया होगा। दिस वॉज बिलीव इट ऑर नॉट एपिसोड 3 एंड विल बी बैक विथ अनदर एपिसोड और बिलीव इट ऑर नॉट जो आपको दोबारा चौंकाएगा और अमेज जरूर करेगा। सो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज लाइक दिस मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल राइट नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज का सेशन आपको कैसा आया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। अंटिल दिस, अभिषेक साइनिंग ऑफ।